हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री मिक्स में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर जूनोटिक डिजीज़। तो कायसनो फॉरेस्ट डिजीज, जीका, इबोला, एंथ्रैक्स, इनमें से कौन सा डिजीज़ जो जूनोटिक डिजीज़ है। सो जूनोटिक का मतलब क्या है कि एनिमल से जो इन्फेक्शन ह्यूमंस तक ट्रांसमिट हो जाती है उनको हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो आपको बताना है कौन से डिजीज़ इनमें से जूनोटिक हैं। काफ़ी न्यूज़ में आते हैं टाइम टू टाइम, सो आप पॉज कर सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ही जो डिजीज़ हैं दे originate from animals, but animals में वो disease affect क्यों नहीं करते, जैसे multiple disease हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप corona की बात करें ना, या ebola, तो ये सभी जो disease हैं, corona का तो भी surety नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है कि bats से originate होते हैं ना, तो bats को क्यों नहीं ये बीमार करते, क्योंकि bats ने already अपनी immunity develop कर ली है इन disease के against, and जब धीरे धीरे वो disease humans को transmit हो जाते हैं तो then they affect humans। तो सभी के सभी disease they are zoonotic disease। सेकेंड क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज। तो इस फिनोमिनन का नाम क्या है, इज इट कॉर्ड ब्लड बैंकिंग या फिर कॉर्ड सेल बैंकिंग, एम्बिलिकल ब्लड बैंकिंग, या नन ऑफ द अबव। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, यू कैन थिंक पॉज। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्वेशन को हम बोलते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। एंड इसमें क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के उसको संभाल के रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। तो एम्बिलिकल कॉर्ड आई होप आपको पता होगा, सो दिस इज द अटैचमेंट जो जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उनकी जो नेवल के साथ अटैच होता है, बेसिकली इसी के थ्रू चाइल्ड अपनी पूरी नरिशमेंट गेन करता है फ्रॉम द मदर। ठीक है, सो जो हमारा ICMR है वो रिकमेंड नहीं करते इसकी कमर्शियल स्टोरेज, बट जो प्राइवेट स्टोरेज है इट इज़ एडवाइजेबल इन केस जो एल्डर चाइल्ड है उसमें ऐसी ट्रीटेबल कंडीशन है जिसको इन स्टेम सेल्स की बदौलत ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इस केस में आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिथेनोट्रॉफ्स। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, एंड दूसरी दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस मिथेन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 और 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। कैसे गलत हैं? जो मिथेनोट्रॉप्स हैं, अगर आप वर्ड को ही तोड़कर थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे, जैसे ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपनी जो फूड खुद बनाते हैं ना, सो ट्रॉप इज बेसिकली द टाइप ऑफ फूड दैट दे आर कंज्यूमिंग, है ना। जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन ट्रॉपिक लेवल्स से आई होप आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। सो मिथेन को जो कंज्यूम करते हैं दे आर नोन एज मिथेनोट्रॉप्स, नॉट द प्रोड्यूसिंग वंस। एंड सिमिलरली मिथेन को ब्रेक डाउन करके, मिथेन को कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे आर अ वेरी गुड, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिससे, जैसे जो राइस फील्ड्स हैं, है ना, विच रिलीज अ लॉट ऑफ मिथेन। एंड सिमिलरली जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो भी मिथेन रिलीज करते हैं। सो अकॉर्डिंगली मिथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए ये जो आपके बैक्टीरिया हैं दे कैन बी हेल्पफुल इन दोज एरियाज। अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी जो ग्रीन हाउस गैस ही है, लेकिन अगेन मिथेन के हमारे पास कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। सो अकॉर्डिंगली मिथेन को हम कंज्यूम करवा सकते हैं इन मिथेनोट्रॉप्स के थ्रू। ठीक है जी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पॉट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रोथ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर डॉक्ट्रीन। सो पहली स्टेटमेंट है कि इट कॉल्स फॉर इंटेंसिफाइंग कॉपरेशन अमंग नेवीज एंड मैरीटाइम एजेंसीज, ताकि साइकिल ऑफ कॉपरेशन को आप एनकरेज कर पाएँ। तो कॉपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कि इट विल ट्रांसफॉर्म इंडिया बाय डेवलपिंग द ब्लू इकॉनमी। सो ब्लू इकॉनमी इज़ बेसिकली इकॉनमी ऑफ द हाई सीज, जैसे जो ट्रेड है, फिशिंग है, एटसेट्रा, तो ब्लू इकॉनमी इसको बोलते हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि इसकी एम है कि इंडियन ओशन रीजन को पीसफुल एंड सिक्योर रीजन बनाया जाए। सो यू कैन पॉज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। तो सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सागर डॉक्ट्रिन 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही रिसेंटली फ्लोट की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रत्यूष एंड मिहिर आर टू ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। तो
उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, या क्वांटम कैलकुलेशंस के लिए, या बिग डेटा के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों के लिए. सो पॉज कर सकते हैं आप. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इनको. सो प्रत्यूष की जो कैपेसिटी है इट इज 4 पेटाफ्लॉप्स, एंड मिहिर की कैपेसिटी है 2.8 पेटाफ्लॉप्स. पेटाफ्लॉप क्या है? बेसिकली इट इज़ द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, एंड इट इज़ इक्वल टू क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, यानी 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस एक सेकेंड में जो कंप्यूटर करता है, तो उसको एक पेटाफ्लॉप बोलते हैं. तो बेसिकली हमारा जो प्रत्यूष है वो 4000 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है एक सेकेंड में. ठीक है जी. एंड सिमिलरली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो क्लेम करते हैं कि उनका जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है उसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 8 पेटाफ्लॉप्स, एंड उसको फोर्थ पोजिशन पर रखा हुआ है आफ्टर जापान, यूके एंड यूएसए के जो डेडिकेटेड एचपीसी रिसोर्स वाले जो कंप्यूटर्स हैं फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कम्युनिटी. ठीक है जी. सो जो एचपीसी सिस्टम है उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि उसके थ्रू हम जो मॉनसून की क्वालिटी को फोकास्ट कर सकते हैं, एंड एक्सट्रीम इवेंट्स कोई आते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उनको भी हम कर सकते हैं. फ्लड्स तो नहीं, बेसिकली साइक्लोन्स एक्सेट्रा, फ्लड्स को इनडायरेक्टली कर सकते हैं कि किस हिसाब से रेनफॉल होगी, एंड उसके बाद अर्थक्वेक्स एटसेट्रा, एयर क्वालिटी, लाइटनिंग एटसेट्रा, तो इन सभी को, इनफैक्ट यहाँ पे फ्लड भी लिखा हुआ है, तो फ्लड्स को भी कर ही सकते हैं. ठीक है जी. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.